रसूल के अहले बैत तारीख़ आलम आदम की मज़लूम तरीन शख्सियतें हैं। उन पर हर ज़माने में जुल्म हुए, नाइंसाफियाँ हुईं, उनको शहीद किया गया और करबला के वाक़े को दुनिया का कौन इंसान ऐसा है जो नहीं जानता। मासूम आलम से लेके 11वें इमाम तक हर एक ज़ुल्म उम्मत का शिकार रहा, लेकिन ये तमाम वो मदालिम थे जो हमारे इस दुनिया में आने से पहले हुए। हम उन मदालिम पर आंसू तो बहा सकते हैं, मातम तो कर सकते हैं, लेकिन हम तारीख के पहिए को उल्टा नहीं घुमा सकते। और हमारे बस में ये बात नहीं है कि जो कुछ हो चुका हम उसको बदल दें या उसके अंदर कोई तब्दीली या तरमीम कर दें। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज की इस दुनिया में जो अपने को अमन व इंसाफ का पुजारी कहती है, जहाँ इंसानी हकूक की आवाज़ उठाई जाती है, जहाँ ये कहा जाता है कि आवाम की आवाज़ को बालादस्ती हासिल है, और जहाँ इंसान तो इंसान ऐसी तंजीमें हैं जो जानवरों और दरख्तों पर भी जुल्म और ज़्यादती होते नहीं देख सकती, उसी दौर में और उसी ज़माने में अहले बैत पर जुल्म का सिलसिला उसी तरह जारी है। चुनांचे हमारे अहद की सबसे दिलखराश हकीकत यह है कि जन्नतुल बकी में रसूल की साहबजादी जनाब फातिमा ज़हरा, हमारे दूसरे इमाम इमाम हसन, हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर और हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इन सब के कबूर बेसाया हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी कब्रों का कभी साया न था, ऐसा नहीं है कि इनकी कब्रों का कभी कोई तामीर न थी। इनकी कब्रों तामीर 20वीं सदी के शुरू तक रही है। जो लोग हज को जाते थे, जो लोग ज़ियारत कब्र रसूल को जाते थे, वो लोग अकीदत में और मोहब्बत में रसूल की बेटी, रसूल के नवासे और रसूल की पाक औलादों की कबूर पर जाकर अपने अकीदत के फूल निछावर करते थे। मगर तारीख में एक इनकलाब आया और हिजाज में शरीफ मक्का का इख्तदार ख़त्म हुआ, ग्रेटर टर्की की हुकूमत को जवाल आया और टर्की टुकड़ों में बट गया। उस वक्त अंग्रेज़ों की साजिश से आले सऊद को हिजाज का हुक्मरान बनाया गया। ये मजहबी दीवाने हमेशा से शिद्दत पसंद हैं, हमेशा से इंतहा पसंद हैं। इनके मजहब में टॉलरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनके इस्लाम में दूसरों के जज्बात के एहतराम की कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने इख्तदार में आने के बाद पहला काम जो किया वो मजहब का नाम लेकर रसूल की बेटी, रसूल के नवासे और दीगर आम्मा बकी के कबूर मुबारक के ऊपर जो कुब्बे तामीर थे उनको गिरा दिया। और उस वक्त से लेके आज तक वो कब्रें बेसाया हैं, वहाँ पर लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर लोगों को कब्रों को मस करने की इजाज़त नहीं है। रसूल के रोज़े के पास भी ऐसे सिपाही मौजूद रहते हैं जो कब्र रसूल की जाली को अगर कोई बोसा दे तो उसको ताजियानों से अजियत देते हैं। और जन्नतुल बकी में भी हुकूमत के ऐसे नुमाइंदे मौजूद रहते हैं जो किसी अकीदतमंद को ताजियानों से अजियत देते हैं,
किसी को गिरफ्तार करते हैं, किसी के साथ बदसलूकी करते हैं, और इसके अंदर ज्यादातर वो लोग होते हैं जो दूसरे मुल्कों से आए हुए होते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि किसी मुल्क में गैर मुल्कियों के साथ तशद्दुद और जुल्म जायज नहीं है, लेकिन सऊदी अरब को न बैन अल-अक़वामी आदाब का पास है, न ह्यूमन राइट्स का ख्याल है, न इंसानों की दिलादारी से कोई दिलचस्पी है कि कितने इंसानों की दिलादारी हो रही है। वो अपने चंद उन मुफ्तियों के इशारों पर नाचते रहते हैं जो अपने सिवा हर एक को काफिर समझते हैं और हर एक को बेदीन समझते हैं। सन 1926 में इन मुबारक खबरों को बेसाया और बेचराग कर दिया गया, और उस वक्त से आज तक इन खबरों पर न कोई साया है, न कोई चराग जलाने वाला है। जाहिरों को कोड़े मार मार के दूर रखा जाता है, औरतों को जाने की इजाजत नहीं है, और उन पर हर तरह का जुल्म तशद्दुद जायज समझा जाता है, और ये सब कुछ उस मुल्क में हो रहा है जो अपने को हरमैन शरीफैन का मुतवल्ली कहते हैं, मुहाफिज कहते हैं, कस्टोडियन ऑफ होली श्राइन्स अपने को बताते हैं, और उसके बाद इस तरीके के अनहोली काम आलम इस्लाम के साथ करते रहते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम ज्यारतों में और दुआओं में तो पढ़ते हैं कि मौला अगर हम आपके साथ होते तो हम भी आपकी नुसरत में जामे शहादत पीते। ठीक है, हम उस वक्त नहीं थे और हमने नुसरत हुसैन में जान देने का शर्फ नहीं पाया, लेकिन आज इस जमाने में हम मौजूद हैं जब बकी की खबरें बेसाया हैं और रसूल की बेटी, रसूल के नवासे और रसूल के अहले बैत की खबरों का चराग नहीं है। हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज तो कर ही सकते हैं, प्रोटेस्ट तो कर ही सकते हैं, अपनी आवाज़ तो बुलंद कर ही सकते हैं, और दुनिया के रहने वाले मुख्तलिफ इंसानों को ये बात तो बता ही सकते हैं कि सऊदी अरब की हुकूमत किस तरीके से इंसानों के हकूक को पामाल कर रही है और दुनिया के करोड़ों इंसानों की अपने इस नापसंदीदा अमल की वजह से दिलाताजी कर रही है। ये बात हर जमाने में सन 1926 से आज तक रही कि लोग इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करते रहे, लेकिन अब शिकागो में अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे उठे हैं जिन्होंने इस एहतजाज को वर्ल्ड वाइड मुनज़्ज़म करने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छी बात है और ये बड़ा मुस्तहसन इकदाम है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं तमाम मुहिब्बान अहले बैत से, चाहे वो दुनिया के किसी गोशे में हो, किसी मुल्क में हो, इस बात की गुजारिश करूंगा कि वो इस जुल्म के खिलाफ खामोश न बैठें, इसलिए कि जुल्म के खिलाफ खामोशी जुल्म पर रजामंदी की अलामत समझी जाती है। लिहाजा कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जुल्म के खिलाफ हर साल अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखें और अपनी आवाज उठाते रहें। दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान अहले बैत हैं, जिन जिन मुल्कों में शियों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
जिन जिन जगहों पर शियों की तंजीमें हैं, जहां जहां पर अंजुमने हैं, जहां जहां के ऊपर इमाम बारगाहें हैं, जहां जहां पर ऐसे सेंटर हैं जिनमें मोमिनीन जमा होते हैं, मजालिस होते हैं और मजहबी तकरीबात होती हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, उन सब से मेरी गुजारिश है कि वो साल में एक दिन मुकर्रर करें। और मैंने शिकागो के मोमिनीन से भी ये गुजारिश की है कि आठ शव्वाल या आठ शव्वाल के आसपास का कोई दिन मुकर्रर करके उसको यौम जन्नतुल बकी करार दें, और यौम जन्नतुल बकी करार दे के उस दिन वो सारी दुनिया में जहां भी हैं अगर डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर जुलूस निकाल सकते हैं, अगर सऊदी सफारत खाने के सामने डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं तो वहां जाएं, अगर वो उस तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं तो किसी पब्लिक प्लेस पर रैली करें और इस जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, या इज्तिमा करें, कहीं गैदरिंग करें और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। यह भी नहीं हो सकता तो अपने सेंटर में, अपनी इमाम बारगाह में, अपने ठिकाने पर जलसा करें, और जलसे में इस जुल्म के खिलाफ न सिर्फ ये कि तजवीज़ मंजूर करें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अखबारी नुमाइंदों को भी दावत दें, और जो कुछ उनकी इसके खिलाफ तजवीज़ें हों उसको प्रेस में भेजें, फिर सऊदी हुकूमत को खतूत के ज़रिए से, एहतजाजी टेलीग्राम्स के ज़रिए से अपने एहतजाज को उन तक पहुँचाएँ, और जिस मुल्क में भी रहते हैं उस मुल्क की हुकूमत से भी कहें कि आप इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं और आपके मुल्क में बसने वाले आपके शहरी इस जुल्म से दुखी हैं, गमजदा हैं, डिजिक्टेड हैं, अफसोस में हैं, लिहाजा आप भी अपने असरात इस्तेमाल करते हुए और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए सऊदी गवर्नमेंट से इस बात की अपील करें, बाकायदा मुतालबा करें कि वो इस जुल्म को बंद करे और उन मुकद्दस खबरों पर तामीर की इजाज़त दे। इसलिए कि मजहबी इंतहा पसंदी सिर्फ लफ्ज़ों से कंडम की जाती है लेकिन उसके खिलाफ कोई अमली इकदाम नहीं उठाया जाता। आज की दुनिया में जहाँ सारी दुनिया के संजीदा और माकूल इंसान मजहबी इंतहा पसंदी, तशद्दुद, वायलेंस और ताकत के इस्तेमाल और इंसानों पर जुल्म करने के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और बुनियाद परस्ती और फंडामेंटलिज्म को कंडम कर रहे हैं, ऐसे आलम में इंसानी हकूक़ के खिलाफ जो सऊदी अरब वर्दी कर रहा है, इंसानी हकूक़ के खिलाफ जो उसका अमल है, उसके खिलाफ आइए, हमारे साथ एहतजाज में शरीक होइए ताकि इसकी अजर आपको दुनिया भी मिलेगा कि आपने जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया है, और आखिरत में भी अल्लाह की सरकार से, रसूल की सरकार से और आमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम की सरकार से आपको इसका अजर मिलेगा। मैं तमाम दोस्तों से अपील करता हूँ कि वो इस सिलसिले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जो कुछ कर सकते हों वो पूरी ताकत के साथ करें।